नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर घटना का एक रिक्रिएशन भी कराया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक कुएं में से लाश मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था, जिसमें हत्या की बात सामने आई थी। पूरे मामले में पुलिस ने क्षेत्र के ही रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने युवक को कुएं में धक्का देकर मौत के घाट उतारना स्वीकार किया है। एडिशनल DCP के मुताबिक मृतक चीकू और उसके साथी का क्षेत्र के ही रहने वाले करण तिलक और शंकर से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों द्वारा चीकू को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की और चीकू को ले जाकर एक कुएं में धकेल दिया था, जिसमें उसकी डूबने से मौत हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें आज घटनास्थल ले जाकर घटना का रिक्रिएशन कराया गया। इस दौरान 3 बदमाश पुलिस से माफी मांगते भी नजर आए। तारीख को एक फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि एक व्यक्ति जो कि चीकू, जो कि घर जिसके अपहरण करके ले गए हैं, तो इसमें 365 सेक्शन के तहत 17 तारीख को FIR रजिस्टर की गई थी। 18 तारीख को फिर उसकी डेड बॉडी मिली, तब उसे जाकर उसमें 302 सेक्शन और अन्य धाराएं बढ़ाई गई। उसमें ये मामला सामने आया कि तेजपुर गड़बड़ी के रहने वाले सभी लोग जो आरोपी और फरियादी तेजपुर गड़बड़ी के रहने वाले हैं, किसी बात पर मुवाद हुआ था, जिस बात को लेकर के जो आरोपी शंकर है अपने एक अन्य दोस्त के साथ, दो दोस्तों के साथ गया और ऑटो से एक इसको जो आरोप जो जो मृतक है चीकू उसको पकड़ कर ले गया और जंगल की तरफ ले गया। फिर उसके बाद वहां पर मारपीट की उसके साथ और कुएं में उसको धक्का दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस आधार पर थाने में केस IP सेक्शन 302 और अन्य धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया। इसके बाद ये 3 आरोपियों को इसमें पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।